थोड़ा सा इधर से साइड हो जाएंगे आप लोग, तो भाइयों को तकलीफ नहीं होगी। या तो आप लोग बैठ जाइए, या तो बैठ जाइए, क्योंकि उनको आए हैं खेसरिया को आशीर्वाद देने के लिए ना। विनोद यादव जी जहाँ कहीं भी हो, क्या चपत भरवाना है, पानी मंगाना है, आप बिछलहरी का बोतल उधर गाड़ी में लिया कर दे दिए। मोबाइल बहुत अच्छे आदमी है आप। आजकल महाराज जी को सुई खो जाता कहीं के मिला था कहीं नहीं खेलते। ये किसका मोबाइल है भाई, आपको अपना नंबर बताना पड़ेगा, जिसका भी हो ये नंबर बताना पड़ेगा। आप अपना सिम ले जाइए क्योंकि सिम की ज्यादा जरूरत होती है इसके पास। अब पता नहीं कहाँ डॉक्टर साहब को आप खोज नहीं पाएंगे। मैं रख लेता हूँ, आप बॉम्बे आ जाइएगा, मैं देख लूंगा। हाँ हमारे के ज्यादा जानते हैं ना, खेसरिया के तो घर दूर। कभी पैर नहीं छूके, कोरोना से ऐसा ही फ्रस्ट्रेशन में होगा। कोरोना पर कितना दिन से बात करते लोग भेटा ही नहीं, अब उन लोग बूढ़े छोटे बुजुर्ग बना देंगे। संतोष भाई एक हम माफ कर, क्योंकि लाठी अच्छी मत चला रहे हम के लिए, क्योंकि पिटवारे नहीं किए लोग हमारे के प्यार करे ना तबे ना आई गई ना भाई, तो कितना बुरा लगे तो खसरिया आया तो भी कहूँ ना। आप लोग बैठ जाइए ना, बैठ जाएंगे तो कोई हल्ला नहीं होगा। एक बार बैठ जाइए, एक बार बैठ जाएंगे ना, तो उधर बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, दू दिन से हम सुतले लगे, खाली फ्लाइट फ्लाइट देखल रहे। आप सबका प्यारे बना कि दो दिन के जागलो में आज इतना अच्छा लगा था कि हम अपना घर परिवार में बनी, अपना गार्जियन सूर जितना भी लोग सबके आशीर्वाद लेवे का तैयार बनी। थोड़ा सा साइड हो जाइए, उनको दिक्कत हो रहा है खींचने में। अरे तू लोग तो रोजो घींचे लाइव रहे, ये लोग घींच ले बता, तू लोग तारा लोग से तो कहियो नहीं जब हम खेसरिया के कहीं खोज ले बोलो, ये लोग के कहो पर्वे 30 के में भेटा ही खेसरिया। आ कोरोना के बाद पहला बार तो हमारे हाथ में माइक मिले बा, बुझा तो हमारे हाथ में अगरबत्ती मिल गई बा। 2 साल के बाद आज हाथ में माइक मिले बा, वो सबके बीच में खड़ा होकर कुछ कहे कर ना, तो 2 साल ले तो हम के दूसरे कुछ बेचे तो नहीं जाए। आज पहली बार लाइव मेरे सामने में अपने आप के बेचे के मौका मिले बा, और ये इतना सुनहरा मौका में हम निकाल बनी जा। आज हाथ में दे दीजिए आपके बीच में स्वर्गीय पहलवान साहब के। अच्छा अच्छा, एक बार बहन की तरफ से बहुत स्वागत भाई लंगे, और बबन जी के जो कार्यक्रम के मुख्य संयोजक के रूप में बबन यादव के धर्मपत्नी उड़ा फोन का आता है थोड़ी बजे।
जी रही हम। और आपके बीच में पूर्व मुखिया आदरणीय मंच के प्रयासी विनय बाबू जिन लोगों के सौजन्य से कार्यक्रम आयोजित हुए, आपके बीच में हमारे अभिभावक आदरणीय लाल बहादुर सिंह यादव जी, आदरणीय रामविलास यादव जी, आदरणीय बिगाऊ सिंह यादव जी, पूर्व विधान परिषद के सदस्य और उगता हुआ सभापति रेंज का सूरज भाई अनिल जी, सभी लोग इस मंच पर डॉक्टर जागेश्वर यादव जी जो आपको एक डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान, सभी आपके बीच में आप यहाँ पर उपस्थित पिता बुजुर्ग अभिभावक परिवर्तनकारी इतिहास के युवा नौजवान मित्र साथी खेसारी लाल भाई, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, बात सही है। मैं भगवान इतना इन्होंने प्यार किया कि अपना घर तक भी जला दिया। कौन कौन मोहब्बत से आए हैं, मैं चाहूंगा शांति का विषय दीजिए। इन पहाड़ की वादियों को चीरता हुआ भोजपुरी का बेटा भोजपुरी के झंडा को अंतरराष्ट्रीय पटल पर स्थापित करता है, ये कैमूर का शान है। अपने बेटे की मोहब्बत में मुस्कुरा कर थोड़ा शांति बना दो मेरे यार, और ताली बजाइए भी आपसे एक बार। आइए भैया लेकिन चलिए देखिए पहले के भजन में आजकल के भजन में बड़ा अंतर हो गया भैया। पहले के मांगा बहन बेटी जब मंदिर में जाते रहे तो बड़ा प्यारा खूबसूरत एगो भजन गाते रहे बाबू के मेरिया के जींस पैंट पहन लेते रहे सर, टी शर्ट पहन लेते रहे सर, एगो ट्रैक्टर के हेलमेट पहन संगी लगा लेते रहे सर, चला जल्दी कर, अरे सजा लेते रहे सर, मले भैया निकलो आजादी का दिन। तो हेलो दुर्गा मां